दोस्तों अब जरा पृथ्वी के रेड सुपरजेट बीटलगीज की इन तस्वीरों पर एक नजर डालिए। ये तीनों तस्वीरें कुछ ही महीने के गैप में ली गई हैं। इनमें से पहली जो तस्वीर है वो है नवंबर 2019 की, दूसरी है नवंबर से दिसंबर 2019 के बीच की और तीसरी है अप्रैल 2020 की। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अन्य स्टार्स से अलग जो हजारों साल लेते हैं डिम होकर फटने में, वही बीटलगीज स्टार तेजी से डिम ब्राइट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? फिलहाल इतना कह सकते हैं कि बीटलगीज किसी भी समय फट सकता है। तो क्या बीटलगीज के फटने से हमें कोई हानि होगी? बीटलगीज के फटने से हमें कोई असर पड़ेगा? बीटलगीज क्या हमारे लिए खतरा हो सकता है? तो चलिए इसको जानने से पहले जानते हैं कि आज से लगभग 1837 साल पहले, जिसे एंसाइंट रोमन और चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया था, जिसे आज हम RCW-86 कहते हैं। कहते हैं कि सुपरनोवा का धमाका इतना खतरनाक था कि लगभग 8 महीने तक रात के आसमान में 2 चांद और दिन के आसमान में 2 सूरज दिखाई दे रहे थे। अब इसी से अंदाजा लगा लो दोस्तों, अगर बीटलगीज फटा तो नजारा इससे भी बुरा होने वाला है। कुछ का तो यह भी दावा है कि उस वक्त आसमान में 2 सूरज की जगह पर 10 सूरज जितनी रोशनी चमकने वाली है और रात को इतना उजाला होगा कि चांद तो नजर ही नहीं आएगा। क्या धरती का तापमान बढ़ जाएगा या फिर कुछ और ही होने वाला है? सुनकर ही कितना डरावना लगता है ना ये सब। लेकिन दोस्तों हमें लगता है आप अभी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की ग्रेविटी को नहीं समझ पाए हो। क्या आप जानते हैं आज से करीब 359 मिलियन साल पहले डिवोनियन कार्बन फेरियस पीरियड के वक्त उस सदी का सबसे बड़ा मैस एक्सटेंशन द एंड डिवोनियन एक्सटेंशन भी पृथ्वी के पास हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था और इसीलिए बीटलगीज ब्लू सितारा हम पृथ्वीवासियों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। फिलहाल हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह रिवील किया है कि जब भी कोई स्टार अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रहा होता है, वह किसी इंडाइजेशन से जूझते बूढ़े इंसान की तरह स्पेस में एनर्जी और मेटल दोनों इजेक्ट करने लगता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में सरफेस मास एमिशन या सिंपली SME भी कहते हैं। अब जरा सोचिए बीटलगीज कितना SME इजेक्ट कर रहा होगा। आपको सुनकर हैरानी होगी, करीब 8 मिलियन माउंट जितना मास वो बाहर फेंक रहा है, जिसमें से कुछ मास एनर्जी के रूप में हम तक कभी डिम तो कभी ब्राइट फ्लैशेज के रूप में पहुंच रहा है। यानी कि जो बीटलगीज है वो हमें कभी डिम तो कभी ब्राइट दिखाई दे रहा है। एक तरह से उसके समय की आखिरी टिक-टिक है, जिसका हिसाब आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से रखा जा रहा है। जी हाँ, आज से करीब 4325 ईसापुर में जब इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार ओरियन कॉन्स्टिलेशन में बीटलगीज को ऑब्जर्व किया था, तब से लेकर आगे चलते चलते पहली सेंचुरी BC तक आते आते चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने उसके कलर का जिक्र करना शुरू कर दिया था। उनके अनुसार उसका रंग तब कुछ व्हाइटिश रंग का था, लेकिन पता नहीं फिर कैसे 2nd सेंचुरी CE में एस्ट्रोनॉमर्स पटोलेमी ने जो बताया उसके अनुसार उस समय वह ऑरेंज रंग का हो चुका था, यानी बिल्कुल वैसा ही जैसा आज हमें दिखाई देता है। कहने का मतलब है दोस्तों, हमारी टूटी फूटी रिकॉर्ड एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल साफ हो चुका है कि अन्य तारों से अलग बीटलगीज ने हमारी आंखों के सामने रहकर कई बार अपने रंग बदले हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? फिलहाल इसके पीछे का मुख्य कारण है ब्लैक होल। अब इसके बारे में बात करने से पहले ये रेड सुपर जायंट स्टार बीटलगीज कब फटेगा ये बताना वैज्ञानिकों का काम है। वैज्ञानिकों ने इस एक्टिविटी के पीछे 2 मुख्य कारण बताए हैं, उसमें से पहला है ब्लैक होल से जुड़ा हुआ। हाल ही में मार्क्स प्लैंक सोसाइटी और कुछ जापानीज एस्ट्रोनॉमर्स ने मिलकर एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन का एक सिमुलेटेड मॉडल बनाया है। उस वीडियो में उन्होंने कम डेंसिटी वाले मेटल को ब्लू से दिखाया है और ज्यादा डेंसिटी वाले को पिंक से। उन्हें पता चला जैसे एक न्यूट्रॉन स्टार एक ब्लैक होल के संपर्क में आता है, उसका ऑलमोस्ट 80% मेटल सीधा ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन के अंदर घुस जाता है और बस 20% ही मेटल हमें सदियों तक इसके चारों ओर घूमती हुई डिस्क के रूप में नजर आता है। यानी कल को बीटलगीज जो सिमुलेटेड मॉडल में लिए गए न्यूट्रॉन स्टार से 5 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है, उसके सामने एक ब्लैक होल आया तो कुछ नहीं तो बीटलगीज थोड़ा बहुत डिम तो हो ही जाएगा। ये रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है, जिन्होंने बीटलगीज के 2019 की डिमिंग पर अपनी टिप्पणी दी थी। इससे पहले वो ये मानते थे अगर एक ऑब्जेक्ट जो बीटलगीज से थोड़ा भी मैसिव हो
और इसमें इतनी क्षमता हो कि वह उसका पूरा फ्यूल निचोड़ ले, तब भी वो डिम हो सकता है। लेकिन समस्या ये है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बीटलगीज के आसपास कहीं नजर नहीं आता। और इसका क्या मतलब बनता है? जी हाँ, एक ऐसा ब्लैक होल हो सकता है जो मैसिव भी हो और इंडिविजिबल भी हो। ऐसा सोचने वाले हम अकेले नहीं हैं। कई वैज्ञानिकों के हिसाब से इंडिविजुअल ब्लैक होल से ज्यादा इफेक्टिव बीटलगीज के डिमिंग के पीछे का कारण हो सकता है ग्रेविटेशनल डार्कनिंग, जो स्टार्स की रोटेशन पर आधारित है। दरअसल जब स्टार्स की रोटेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, तब उनकी शेप एक ओबलेट स्फेरॉइड या यूं कहें कि ऊपर से दबे और बीच से फैले हुए किसी बॉल के जैसा हो जाता है। इससे स्टार्स के इक्वेटर में जो गैस होती है उसके पोल्स के मुकाबले अपनी कोर से ज्यादा दूर हो जाता है, और इस सबके चलते इक्वेटर वाली गैस पर ग्रेविटी की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। क्योंकि जब एक स्टार्स की ग्रेविटी कमजोर पड़ती है तो पहले तो उसके गैसेस पर से ज्यादा प्रेशर भी हट जाता है, और अब एक्सट्रीम प्रेशर हट जाता है तो फिर उस रीजन का न्यूक्लियर फ्यूजन भी ठप पड़ने लगता है। यानी ये सब अगर वर्तमान में बीटलगीज में हो रहा है तो उसका भी इक्वेटर उसके पोल्स के मुकाबले ठंडा पड़ चुका है। और अब किसी स्टार का कोई भी हिस्सा ठंडा पड़ता है तो कैसे नजर आता है? सही जवाब है डिम। यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार बीटलगीज का इक्वेटर इसी ग्रेविटेशनल डार्कनिंग की वजह से डिम हो रहा है, और किसी दिन उसका ठप पड़ना न्यूक्लियर फ्यूजन अचानक से पूरी तरह से बंद हो सकता है और स्टार अपने ही कोर में कोलैप्स होकर फट जाएगा। अब इसी बीच वैज्ञानिकों ने बीटलगीज को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि बीटलगीज की अनयूजुअल फ्लैश लाइट की वजह से उस लाइट से उसका एक्यूरेट डिस्टेंस और उसका एग्जैक्ट साइज वो अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। अगर हम प्रेजेंट इमेज की बात करें तो बीटलगीज हमसे करीब 500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और ऐसा मान लो अगर वो कल भी फट जाता है तो उसके एनर्जी को हम तक पहुंचने में 500 साल लग जाएंगे, और तब तक तो वो एनर्जी बहुत कमजोर भी पड़ चुकी होगी। अब ऐसे में अगर कुछ ज्यादा से ज्यादा हुआ भी तो वैज्ञानिकों के हिसाब से बस कुछ समय के लिए हम जीपीएस सिस्टम और सैटेलाइट में थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर सकते हैं। हाँ, अगर उसका डिस्टेंस हमसे करीब निकला तब तो हमारी शामत आ सकती है। लेकिन आपको अभी इतना समझना है कि जो हम बीटलगेज की डिमिंग दिखाई दे रही है वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि हमारे और बीटलगेज के बीच बहुत ही बड़ा डस्ट क्लाउड है जो उसे ढक रहा है। इसे नासा ने साबित भी किया है, और डस्ट का मैसिव क्लाउड खुद बीटलगेज से ही इजेक्ट हुआ है, और ये एक सबूत की तरह भी है कि बीटलगेज कुछ ही सालों में फटने वाला है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आज से करीब 20 लाख साल बाद ये इवेंट घट सकता है, और उसके 500 साल बाद उसका असर हमारी पृथ्वी पर दिखाई देगा। तो इस हिसाब से तो आज के लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर हाँ, ये अध्ययन का विषय है। इन चीजों के बारे में जानने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।